आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 18 अप्रैल को जबलपुर पहुंच रहे हैं। यहां पर नरसिंह मंदिर के पीठाधीश्वर स्वर्गीय श्याम देवाचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 18 अप्रैल को जबलपुर पहुंच रहे हैं। यहां पर नरसिंह मंदिर के पीठाधीश्वर स्वर्गीय श्याम देवाचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। हालांकि आरएसएस प्रमुख का यह कार्यक्रम संघ का कार्यक्रम नहीं है, वह अपने निजी प्रवास पर जबलपुर में आगमन कर रहे हैं। परम पूजनीय सरसंघ चालक प्रत्येक स्वयं सेवक के लिए एक निरंतर चलने वाली ऊर्जा के स्रोत के समान है। जैसे हम सब के लिए सूर्य है, कि सूर्य की ऊर्जा के बिना सृष्टि नहीं रह सकती, उसी प्रकार परम पूजनीय सरसंघ चालक जी की ऊर्जा के बिना, उनकी उपस्थिति के बिना, उनके प्रवास के बिना किसी भी क्षेत्र में स्वयं सेवकों के अंदर वो उत्साह नहीं होता जो सामान्य रूप से होना चाहिए। अब ये जो प्रवास है परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का, ये वैसे तो ये व्यक्तिगत प्रवास है, संघ का प्रवास नहीं। हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कारधानी के आध्यात्मिक चेतना के केंद्र और हमारे मार्गदर्शक ब्रह्मलीन परम पूज्य डॉक्टर जगतगुरु श्याम देवाचार्य जी महाराज का विगत दिनों कोरोना के बीमारी से निधन हो गया। और जब हम सब कार्यकर्ताओं के मन में भाव जागृत हुआ कि उनकी एक प्रतिमा स्थापित होना चाहिए नरसिंह मंदिर के प्रांगण में, तो सभी लोगों ने स्वाभाविक रूप से उसमें उत्साह से उसके लिए प्रयास भी किया और वो फलीभूत भी हुई। और उनकी प्रतिमा की अनावरण के निमित्त तो उनका आगमन हो रहा है। ये हम सब संस्कारधानी के सभी स्वयंसेवकों और सामान्य जनों के लिए ये उत्साह और आनंद का विषय है। स्वाभाविक है कि वहाँ पे जो सार्वजनिक कार्यक्रम, उस सार्वजनिक कार्यक्रम में वो अपने विचारों को रखेंगे। और मैं मानता हूँ कि वर्तमान में पूरे विश्व में जितने चिंतक हैं, जितने दार्शनिक हैं, जितने विद्वान हैं, उन सब में परम पूज्य मोहन जी ये अग्रगण्य हैं। उनके विचार, उनकी वाणी, उनके विचारों का की गहराई, ये सारी बातें यूनिक हैं। और इसलिए उनको सुनना, चाहे वो प्रत्यक्ष हो और चाहे YouTube पर हो, चाहे टेलीविज़न पर हो, अत्यंत सुखद अनुभूति होती है। और निश्चित रूप से उससे प्रतिदिन हमको अपने जीवन में कुछ मार्गदर्शन मिलता है, पाथेय प्राप्त होता है।